हरियाणा सरकार के खिलाफ स्थानीय रोडवेज कर्मियों के आंदोलन की चिंगारी अब हिमाचल भी पहुंच गई है। सिट्टू की सिरमौर इकाई ने रोडवेज कर्मियों के समर्थन में शनिवार को सिट्टू की सिरमौर इकाई ने डीसी सिरमौर के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। इकाई के जिला महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि हरियाणा सरकार कर्मचारी विरोधी हैं, यही नहीं कर्मचारियों पर अमानवीय कार्रवाई करने के भी आरोप लगाए। हाल ही में कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान हरियाणा सरकार ने हजारों कर्मियों व मजदूरों को बुरी तरह प्रताड़ित किया। 16-17 अक्टूबर को जो एक हड़ताल था हरियाणा के अंदर, उस हड़ताल के अंदर जो हरियाणा सरकार द्वारा अमानवीय तरीके से जो प्रताड़ित किया कर्मचारियों को, और 500 से ज़्यादा कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया और 100 से ज़्यादा को जो है वो टर्मिनेट किया गया इसमें, और 400 कर्मचारियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, और 1500 से ज़्यादा कर्मचारियों के ऊपर जो है एस्मा जो एसेंशियल जो सर्विस मैनेजमेंट एक्ट है उसको लगाया गया, जो कि बिल्कुल कर्मचारियों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो उसके कानूनी अधिकार हैं, उसके खिलाफ है। और जो हरियाणा सरकार ने ये कार्रवाई की है, ये बिल्कुल कर्मचारी मजदूर विरोधी कार्रवाई है, और ये गैर जो है जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं लोगों के, उनका हनन भी है। तो आज इसके विरोध में हम लोग एक प्रोटेस्ट लेटर हरियाणा सरकार को दे रहे हैं, और ये पूरे देश से CIT आज दे रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, और हम जिला सिरमौर इकाई की तरफ से एक प्रोटेस्ट लेटर दे रहे हैं कि जो विक्टिमाइजेशन है वहाँ पर वर्कर्स का, और उसके ऊपर जो है तुरंत रोक लगाई जाए, और जो कार्रवाइयाँ हरियाणा सरकार ने की है वो कार्रवाइयाँ जो है तुरंत वापस ली जाए, सारे निलंबन सस्पेंशन और मुकदमे और ये सारी चीज़ें वापस ली जाए। और हम मांग करते हैं कि जो हरियाणा रोडवेज है, अगर सरकार उसका निजीकरण करने जा रही है, जिसके खिलाफ हड़ताल भी हुई थी, तो वो निजीकरण जो है सहन नहीं किया जाएगा। अगर सरकार उसमें आगे जाएगी तो पूरे देश के अंदर जहां आंदोलन होंगे, तो जिला सिरमौर के अंदर भी जो है हरियाणा सरकार की उल्टी गिनती को लेकर जो है हम आंदोलन करेंगे, और लोगों में इस चीज को लेकर जाएंगे कि ये आम जनता विरोधी सरकार है। एन स्टार न्यूज़ के लिए नाहन से राकेश नंदन की रिपोर्ट।